everyone, this is Seher Khan and this is Shahzan Khan and welcome back to Bro's Reactions. और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है यलगार मूवी का ट्रेलर जो 4 साल पहले आया था हम फिल्म्स की तरफ से और बहुत सारे ट्रेलर जो हैं हम देख चुके हैं इससे पहले और जो काफ़ी ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट भी आई हैं और हमसे कहा भी गया है और वो मोस्ट अवेटेड ट्रेलर्स में से भी एक है, उनमें से एक ये भी है। हाँ, तो इतने सारे ट्रेलर्स मूवी के देखने के बाद आज हम देखने वाले हैं यलगार का फाइनली और देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे होने वाला एक्सपीरियंस और इसमें क्या दिखाया जाएगा सिर्फ 2 मिनट के छोटे से ट्रेलर में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम फिल्म जरूरत इस दुनिया इस मुल्क की जरूरत जो मेरे मुल्क के लोगों पर हमला करता है उसकी हैसियत सिर्फ एक दरिंदे जैसी है और इस फौज को दरिंदों से लड़ना आता है। आपको कुछ गलत फील नहीं हुआ अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाते हुए? मेरे खून का हर कतरा इस मट्टी की इमारत है। हमने बहुत मेहनत करनी है अपनी फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए। जनरल, इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हैं? या हाथ नहीं रोकना। खुदकुशी क्यों करते हैं बड़ा? तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है। ताकत चलाओ, ताकत। फिर जरा लोकेशन तो चेक करें। नेगेटिव स्ट्राइक टीम। आसिफ, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। दुनिया और दुश्मन को ये बताना है कि लफ्ज़ मुजाहिद के असल मायने क्या है। मुजाहिद के असल मायने इस मुल्क का बादशाह उससे लेकर सिपाही तक सोने से पहले अपने रब को याद करे ना करे, अगर तू जान को याद जरूर कर। खतरनाक क्या बनाया है ये जो इसको देख करके मतलब आइडिया हुआ वो ये था कि जो सोल्जर्स होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं अपनी वो बागी हो गए। उन्होंने मतलब उन्होंने जैसे इसमें डायलॉग बोला कि हमने बहुत अपने मुल्क के लिए काम कर लिया, बहुत अपनी वर्दी पहन करके लड़ लिए अपनी मिट्टी के लिए, लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ करना है। हाँ। तो मे बी इसमें दिखाया गया कि जो लोग बागी बन जाते हैं और अपने मुल्क के खिलाफ हो जाते हैं तो शायद उनकी कहानी हो। जो जर्नलिस्ट इसमें बनी हुई फीमेल, उन्होंने सवाल भी किया कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने ही मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाई है और हथियार उठाए हैं। हाँ, और मुझे जितना भी समझ में आया वो बस इतना कि स्टार्टिंग में आर्मी के बारे में दिखाया गया है कि वो किस तरह से अपनी कंट्री को सेव कर रहे हैं, और बाद में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो जैसे रिपोर्टर ने पूछा उससे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वो स्टोरी उसे कहाँ से पूरा ट्विस्ट ले जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कोई बागी बन जाता है तो उसका रीज़न क्या है। कुछ इंटरनल रीजंस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, और उसके अराउंड मूवी फिर उसे कहाँ ले करके जाती है कहानी को, जो हमें देखना ज़्यादा पसंद आएगा कि आखिरी वजह क्या है। कोई भी अगर बागी बनता है अपने ही मुल्क के खिलाफ तो कोई बहुत बड़ी वजह ही रही होगी। और फिर उसके बाद वो मूवी की जो स्टोरी है वो कहाँ लेके जाती है उसको, वो हो सकता है जो हम सोच रहे हैं जो ट्रेलर में दिखाया गया है उससे अपोजिट दिखाया जाए, उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग दिखाई गई हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो कैरेक्टर्स थे ना वो थोड़े बहुत ड्रामा के भी देखने के लिए मिले और थोड़े बहुत ऐसे थे जो हमारे लिए नोन थे। बट उनकी स्टोरी और साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो देखने के बाद ही रिवील होगा कि इसमें एग्जैक्टली दिखाया क्या गया।
गया है, उसकी स्टोरी तभी पता चलेगी। लेकिन हमें जितना आइडिया हुआ है हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि हमें इतना थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ है। और क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड ट्रेलर था, ट्रेलर में से एक था और आज हमने भी देखा है, तो हो सकता है कि अज़र्रार और फिर जो हमने एक और देखा था डॉग फाइट सीन जो देखा था, जो उसका देखा था, हाँ, और फिर अब हम इस ये वाला जो ट्रेलर देखा है, इसके बाद हमारी मूवीज़ की जो लिस्ट है वो हो सकता है कि इसमें भी इजाफा हो जाए और हम देखना भी पसंद करें कि इसमें ऐसा क्या दिखाया जाएगा। वैसे बहुत सारे मूवीज़ हैं, हम लोगों को लग रहा है कि हमें देखना भी चाहिए, है ना, ट्रेलर के बाद। तो गाइज ये था आज का हमारा रिएक्शन, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। मुझे तो एक के बाद एक जितने भी ट्रेलर देखने के लिए मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं, और सब में कुछ ना कुछ मसाला तड़का लगाकर उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।